हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एब्सोल्यूट ऑप्टिकल इनकोडर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों को क्या पता लगा था कि इसके डिसएडवांटेज क्या था। जैसे जैसे हम लोग ब्रिक्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे सर्कुलर डिस्क बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमें फोटो डिटेक्टर्स देखेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इस केस में हमारी चार सर्कुलर डिस्क है, तो फोटो डिटेक्टर्स भी कितने लगेंगे? चार। मतलब जैसे जैसे हम उसका रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहेंगे तो सर्कुलर डिस्क भी ज़्यादा लगेंगे, तो उसके केस में हमें फोटो डिटेक्टर्स भी ज़्यादा चाहिए रहेंगे। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जो हम लोग ऑप्टिकल इनकोडर यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑप्टिकल इनकोडर। इसमें जो हम फोटो डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, खाली दो फोटो डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं और एक कोडर डिस्टिंग होती है। तो इसमें हम अपनी रिजोल्यूशन कैसे मेजर करेंगे? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइट एंड डार्क जोन्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर विद द रिस्पेक्ट टू मून स्टार्टेड पोजिशन और एंगलिंग पोजिशन। इसमें हमें एक एडवांटेज क्या है कि हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं, जो कि हम एब्सोल्यूट ऑप्टिकल एनकोडर में नहीं बता पा रहे थे। अब वो हम कैसे बताएंगे? जैसे देखिए, ये हमारे पास एक रिंग है। अब ये डार्क जोन है, ये लाइट जोन है। डार्क जोन में लाइट पास नहीं होगी, लाइट जोन में लाइट पास हो जाएगी। अब इसमें दो फोटो डिटेक्टर लगे हैं, एक फ़ोटो डिटेक्टर ए, एक फ़ोटो डिटेक्टर बी। अब सपोज़ करो कि जो रिंग है ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो इससे क्या होगा? जो ए फोटो डिटेक्टर है वो डार्क जोन में पहले आएगा एज़ कम्पेयर टू बी, ठीक है ना। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए वाला डार्क जोन में कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बी। और इसका अपोजिट देखें, अगर ये रिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो क्या होगा? बी वाला डार्क जोन में पहले आएगा एज़ कम्पेयर टू ए। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो बी वाला है वो डार्क जोन में कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू ए। तो इसके बेस पे हम डार्क जोन और लाइट जोन ऑफ ए एंड बी फोटो डिटेक्टर हम पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा रोटेशन हो रहा है। डायरेक्शन मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारे फ़ोटो डिटेक्टर्स हैं यहाँ पे इनकी पोजीशन फिक्स है। तो जो भी फ़ोटो डिटेक्टर लाइट जोन या डार्क जोन में ज़्यादा रह रहा है या कम रह रहा है, उसके बेस पे हम लोग इसकी पोजीशन या मतलब किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो भी बता सकते हैं, जो हम उस केस में नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। तो एक एडवांटेज हमें इससे यहाँ मिला, और दूसरा एडवांटेज हमें क्या मिला कि वहाँ जो हमें फ़ोटो डिटेक्टर्स ज़्यादा लग रहे थे, अगर मैं चार कंस्ट्रक्टर लूँ तो मुझे चार फ़ोटो डिटेक्टर लगेंगे। ऐसे ही मैं अगर बढ़ाते जाऊँ तो मुझे डिटेक्टर्स भी ज़्यादा, लेकिन उसका एडवांटेज हमें यहाँ क्या मिला? यहाँ आपको बस दो ही फ़ोटो डिटेक्टर यूज़ करने हैं। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डार्क जोन एंड लाइट जोन वी कैन फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम वहाँ पता कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ लाइट जोन और डार्क जोन को यूज़ करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में किया था। सो मोस्टली हम सेंसर में देखा जाए तो ऑप्टिकल एनकोडर में हम इंक्रीमेंट ऑप्टिकल एनकोडर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें रिजोल्यूशन भी बेटर मिल जाती है, और दूसरा केस क्या है, हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा कि हमारी जो शाफ्ट है या जो जिससे भी ये कनेक्ट है, सपोज़ करो ये एनकोडर किसी मोटर से कनेक्ट है, तो हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और एक और एडवांटेज क्या है कि ये वाला ऑप्टिकल एनकोडर चीप है। क्यों चीप है? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ फोटो डिटेक्टर वो कम हो गए, तो जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जो कि हमारे उस केस में क्या था कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती थी। क्यों? फोटो डिटेक्टर बढ़ने की वजह से। तो ये हमारा ऑप्टिकल एनकोडर है, इसके एडवांटेज रहे, और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं मोस्टली ये भी मैंने आपको बताया। सो थैंक यू।